Hello my dears, with full jaws we are going to study today the process of microsporogenesis. बहुत important ये topic है class 12th biology का sexual reproduction in flowering plants chapter के अंदर. So my dears, कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे? कल का जो हम लोग का session था उसमें हम लोग पढ़े थे क्या चीज, that is the four halls, what is a flower, four halls of a flower, और फिर the structure of एंथर के बारे में हम लोग पढ़े थे, और एंथर का जो चार वॉल लेयर्स होता है उसके बारे में हम लोग पढ़े थे. आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग ये बहुत कल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. और माय डियर्स, कल का अगर वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो कल का वीडियो को एकदम जरूर देख लेना है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट वाइल दिस प्रोसेस दिस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. तो एकदम फुल जोश के साथ एकदम स्टार्ट करते हैं, एकदम बने रहिए, एकदम फटाफट देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द, ये क्या चीज है, इट इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ क्या चीज करने के लिए, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करने का प्रोसेस है, दैट इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. अब यहाँ पर माइक्रोस्पोर अगर कोई पूछेगा कि सर अब ये माइक्रोस्पोर क्या है, तो मैं बता देता हूँ माइक्रोस्पोर क्या होता है, इट इज द पोलन ग्रेन. सो माइक्रोस्पोर इज द पोलन ग्रेन. अब यहाँ पर पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है, दैट इज माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है, दैट इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. तो सबसे पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का जो प्रोसेस है ना माय डियर, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो यहाँ पर ये जो पोलन सेक है, ये देख रहे हो पोलन सेक, ये पोलन सेक के अंदर में यहाँ पर क्या होगा, इनसाइड द पोलन सेक देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ स्पोरोजेनस सेल्स. यहाँ पर ये सब कुछ सेल्स है, स्पोरोजेनस सेल्स. अब यहाँ पर ये जो स्पोरोजेनस सेल्स है ना, स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर में जो स्पोरोजेनस सेल्स है, सबसे पहले ये सब सेल्स क्या करते हैं, दिस सेल्स, सम ऑफ द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू बिकम लार्ज इन साइज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द, एंड इसका साइटोप्लाज्म जो है ना, साइटोप्लाज्म भी क्या हो जाएगा, बहुत ही लार्ज का हो जाएगा, एंड इज कैपेबल ऑफ सेल डिविजन. अब ये सेल डिविजन करने के लायक अब ये बन जाता है. सो लेट अस सपोज दिस इज वन सेल, उसका एक यहाँ पर ये सेल, अब ये एक सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल ये क्या करता है, नाउ दिस सेल व्हिच इज कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, व्हिच इज कैपेबल ऑफ सेल्फ डिवीजन, इट इज नोन एज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग आर्किस्पोरियल सेल कहते हैं, है ना, द सेल व्हिच बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज नोन एज आर्किस्पोरियल सेल. अब ये आर्किस्पोरियल सेल जो है, आर्किस्पोरियल सेल क्या करेगा, सबसे पहले दिस आर्किस्पोरियल सेल जो है ये क्या करेगा, ये माइटोसिस डिवीजन करेगा. माइटोसिस डिवीजन करके ये जो है, माइटोसिस डिवीजन से कितना सेल प्रोड्यूस होता है, दो सेल्स प्रोड्यूस होता है ना. सो यहाँ पर देख लो, ये दो सेल्स प्रोड्यूस हो गया है, एंड दिस टू सेल्स जो है, वन विल बी, एक सेल का नाम क्या होगा, एक सेल का नाम होगा प्राइमरी पेरिएटल सेल, एंड अनदर वन विल बी प्राइमरी जेनस सेल कहते हैं. ध्यान से एकदम सुनना है, एकदम प्राइमरी पेरिएटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल. और यहाँ पर ये कौन सा माइटोसिस गोइंग ऑन हियर, तो ये ट्वाइस एन है, डाइप्लोइड है, अगर तो मींस इक्वेशनल डिवीजन. यहाँ पर भी क्या होगा, ट्वाइस एन प्रोड्यूस हो रहा है ना. अब ये प्राइमरी पेरिएटल सेल जो है, दिस इज लोकेटेड ऑन द आउटसाइड, ये जो है प्राइमरी बन करके ये बाहर की तरफ इधर रहेगा, और ये प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल जो है ना, ये यहाँ पर मिडल, यहाँ पर सेंटर के तरफ रहेगा. सो दिस इज फॉर्म टुवार्ड्स द सेंटर, एंड दिस इज फॉर्म टुवार्ड्स द पेरिफरी, दैट इज द आउटसाइड, ये बाहर की तरफ रहता है. अब ये प्राइमरी पेरिएटल सेल जो है ना माय डियर, इसका फैट क्या होगा, प्राइमरी पेरिएटल सेल इट फॉर्म्स द वॉल लेयर्स ऑफ एंथर. ये प्राइमरी पेरिएटल सेल जो है, इट इज इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग द वॉल लेयर ऑफ एंथर. एंथर का जो ये वॉल का चार लेयर्स है जो यहाँ पर दिख रहा है, ये बनाने में इसका रोल है, ये बन जाएगा उधर, वो बन जाएगा. लेकिन हम लोग का टारगेट है ये वाला, दैट इज माइक्रोस्पोर कैसे बनता है, यानी कि पोलन ग्रेन कैसे बनता है. तो पोलन ग्रेन जो है ये प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल से बनेगा. अब ये प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल जो है, दिस प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल विल अगेन क्या करेगा, ये प्रोजेनस सेल जो है, दिस विल अंडरगो अगेन माइटोसिस डिवीजन. माइटोसिस सेल डिवीजन करेगा, एंड इट विल क्या बन जाएगा, इट विल बिकम स्पोरोजेनस सेल. दिस वाज प्राइमरी सेल,
नाउ इट बिकम्स स्पोरोजेनस सेल। यहाँ पर दो सेल आएगा क्योंकि यहाँ पर ये माइटोसिस सेल डिवीजन हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर एक ही सेल यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ। सो दिस इज नाउ प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। अब यहाँ पर ये प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल जो है ना, ये फिर क्या करेगा, ध्यान से इसको देखना है। प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल जो है इट विल अगेन, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल जो है इट विल अगेन डेवलप एंड डिफरेंशिएट टू बिकम द, ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा एंड ये डेवलप हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा टू बिकम द एमएमसी। एमएमसी मतलब क्या होता है, एमएमसी मीन्स माइक्रोस्पोर। सो दिस बिकम्स माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है ये फिर क्या करेगा, नाउ इट विल अंडरगो मायोसिस सेल डिवीजन। मायोसिस सेल डिवीजन से कितना सेल प्रोड्यूस होगा, चार सेल प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर ये देखो, ये ट्वाइस एन था, यहाँ पर भी माइटोसिस हुआ, तो ये भी क्या हो गया, दिस इज ट्वाइस एन। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये स्पोरोजेनस सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसे करके बनाए, दिस इज नॉट बाय सेल डिवीजन, इसमें सेल डिवीजन कोई नहीं हुआ है, ये सिंपली ये स्पोरोजेनस सेल जो है ना ये अपने आउटसाइड से एकदम एब्जॉर्ब करने के कारण से जो है ये डेवलप एंड डिफरेंशिएट हो गया है एंड यहाँ पर कोई भी सेल डिवीजन नहीं हुआ है। तो ये भी क्या होगा, दिस विल ऑल्सो बी ट्वाइस एन, ये भी डाइप्लॉइड होगा क्योंकि यहाँ पर तो सेल डिवीजन हुआ नहीं, सिंपली यहाँ पर डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन हुआ है। तो अब ये जो है ये फिर मायोसिस सेल डिवीजन परफॉर्म करेगा। मायोसिस का मतलब हम लोग को पता है, मायोसिस का मतलब क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन। यहाँ पर जो सेल है ट्वाइस एन, यहाँ पर क्या होगा रिडक्शनल डिवीजन में, मायोसिस में क्या होता है कि यहाँ पर सेल जो है जिसमें ये पेरेंट सेल में जो प्रेजेंट है सेल उससे एकदम आधा आ जाता है। सो यहाँ पर चार सेल्स प्रोड्यूस होगा माय डियर्स एंड दिस फोर सेल्स जो है, दिस फोर क्या होगा, दिस फोर सेल्स विल बी हैविंग हैप्लोइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लोइड सेल्स, दिस फोर सेल्स एंड दिस फोर, चारों सेल ऐसे एकदम लीनियर वे में अरेंज नहीं रहेगा, दिस विल बी अरेंज लाइक दिस इन द फॉर्म ऑफ ए टेट्राड, मतलब ये चार साथ ऐसे बन करके यहाँ पर रहेगा। सो दिस फोर सेल्स आर जॉइंट टूगेदर बाय द हेल्प ऑफ ए लेयर, यहाँ पर एक लेयर है ये बीच में, ये चारों सेल्स के बीच में ये जो लेयर है, इसके बारे में मैंने कल भी चर्चा किया था, मैं कल भी बोला था, दिस इज नोन एज कैलोस लेयर। सो दिस कैलोस लेयर विल बाइंड अप द फोर सेल्स इन ए टेट्राड वे एंड दैट इज व्हाई दिस स्ट्रक्चर ऑफ फोर सेल इज नोन एज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेट्राड कहते हैं। फिर लास्ट में ये जो है, सॉरी, लास्ट में ये क्या करेगा, लास्ट में यहाँ पर ये जो टेपिटम है ना, ये टेपिटम क्या करेगा, दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस एन एंजाइम, ये टेपिटम जो लेयर है ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, दैट इज नोन एज कैलेस एंजाइम एंड दिस गोइंग टू डिसॉल्व दिस कैलोस लेयर, ये कैलोस लेयर को डिसॉल्व कर देगा एंड ये चारों सेल्स जो है ना ये फ्री हो जाएगा। दिस फोर सेल्स आर नोन एज क्या कहते हैं, इसी को तो हम लोग माइक्रोस्पोर्स कहते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज द पोलन ग्रेन। सो माई डियर्स ये है पोलन ग्रेन बनने का प्रोसेस, दैट इज नोन एज द माइक्रो बनने का प्रोसेस, दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आशा करता हूँ माय डियर्स कि ये टॉपिक एकदम अच्छे तरह से एकदम समझ में आया होगा। ये एकदम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मैं एकदम बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में यहाँ पर मैं किया हूँ एंड बहुत ही शॉर्ट टाइम में एकदम सिंप्लीफाइड व्यू में यहाँ पर दिया हूँ। सो इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक, अगर नहीं समझ में आए तो फिर से एक बार ये देख लेना टॉपिक, एंड इफ यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक देन प्लीज हिट ए लाइक टू द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल माय डियर्स, बिकॉज योर सपोर्ट इज माय ओनली स्ट्रेंथ। सो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट में, दैट इज नोन एज पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन हम लोग अब देखेंगे अगले टॉपिक में, अगले सेशन में। सो अप टू दिस हियर फॉर टुडे, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।